कितना सुंदर दृश्य उपस्थित है। श्रीमान परेड परेड के लिए तैयार है, कमांडर जगा लो। तृतीय कमांडर द्वारा परेड का चार्ज भार प्रथम कमांडर को सौंपते हुए द्वितीय कमांडर व तृतीय कमांडर अपने अपने स्थान को जाते हुए अब पूरे परेड का दायित्व प्रथम कमांडर के ऊपर। परेड अलाइनमेंट पर सबसे दाहिने जवानों को जो टुकड़ी खड़ी है वो इस प्रकार है। टोली नंबर एक केसरिया रंग के परिधान में खड़ी है। यह टोली सशस्त्र पुलिस के जवानों की टोली है। इनका कार्य पुलिस छावनी में रहते हुए सशस्त्रों की रक्षा करते हुए जनप्रतिनिधियों की रक्षा, मुलजिमों को न्यायालय में प्रस्तुत कराना, कोषागार व बैंकों की सुरक्षा करना इनका कर्तव्य है। इस टोली का प्रतिनिधित्व कमांडर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस श्री बाल गोविंद जी कर रहे हैं। ठीक उसके बगल में टोली नंबर दो जो सफेद परिधान में खड़ी है, यह यातायात पुलिस की जवानों की टोली है। इनका कर्तव्य यातायात व्यवस्था को सरल व सुदृढ़ बनाते हुए उसे संचालित करना होता है। वर्तमान में प्रदेश सरकार व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इनके क्रम में यहाँ उपस्थित सभी जनमानस से इस टोली का जवान कहना चाहता है कि देखभाल कर चलना भैया शहर शहर और गली गली, देखभाल कर चलना भैया शहर शहर और गली गली, बात पते की बस इतनी है दुर्घटना से देर भली। इस टोली का प्रतिनिधित्व उप निरीक्षक यातायात पुलिस देवानंद बर्नवाल जी कर रहे हैं। टोली नंबर तीन जो हरे परिधान में नागरिक पुलिस के सीआर की टोली है, जो समय समय पर पुलिस लाइन में एकत्रित होकर आधुनिक शस्त्र और आधुनिक पुलिसिंग के विषय में व्यवहारिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इस टोली का प्रतिनिधित्व उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री धर्मेंद्र शुक्ला जी कर रहे हैं। टोली नंबर चार जो पुलिस कलर परिधान में सामने खड़ी है, यह पुलिस कार्यालय की टोली है। इनका कर्तव्य अपने अपने संबंधित कार्यालय के अभिलेखों का भली भांति रख रखाव करते हुए सूचनाओं का आदान प्रदान व आवश्यक अभिलेखों को अपने उच्च अधिकारीगण के समक्ष समय से प्रस्तुत करना होता है। इस टोली का प्रतिनिधित्व कमांडर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री कृष्ण मोहन पासवान जी कर रहे हैं। टोली नंबर पांच जो पीले परिधान में खड़ी है, मुख्य आरक्षी प्रशिक्षणाधीन जवानों की टोली है। इनका प्रतिनिधित्व कमांडर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अजीत प्रताप यादव जी कर रहे हैं। टोली नंबर छह जो पुलिस कलर परिधान में खड़ी है, यह पीएससी के जवानों की टोली है, जिनका प्रतिनिधित्व प्लाटून कमांडर श्री यमुना प्रसाद जी कर रहे हैं। टोली नंबर सात जो पिंक कलर में खड़ी महिला पुलिस जवानों की टोली है, जो आज अपने बुलंद हौसलों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। जब देश की आंतरिक सुरक्षा की बात आती है, तब ये वायु और थल सेना में अपनी भागीदारी निभाती है। देश से के संसद से लेकर खेल के मैदान तक अब तो ये बेटियां अपने बाप के अर्थी को कंधा देकर श्मशान तक पहुंचाने लगी हैं। अभी परेड द्वारा श्रीमान की भीड़ में जो हस्ती बना लेते हैं, दुनिया की भीड़ में जो हस्ती बना लेते हैं, जो मुश्किलों को जीवन की मस्ती बना लेते हैं, अरे उन्हें क्या खौफ होगा समंदरे साहिल का भला।
उन्हें क्या खौफ होगा समंदर साहिल का भला, जो तूफानों को भी अपनी कश्ती बना लेते हैं, जो तूफानों को भी अपनी कश्ती बना लेते हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय, मंच की तरफ से गुजरते हुए परेड का निरीक्षण करने हेतु अग्रसर है। महोदय का वाहन इस टोलियों के निरीक्षण करने हेतु बढ़ता हुआ कुछ ही पलों में निरीक्षण की कार्रवाई प्रारंभ होगी। मुख्य अतिथि महोदय का वाहन नंबर एक टोली के सामने से गुजरता हुआ, नंबर दो टोली के सामने से गुजरता हुआ महोदय का टोलियों द्वारा, टोली कमांडर द्वारा अभिवादन किया जा रहा है। बैंड की सुमधुर ध्वनि, ये जो जवानों द्वारा विश्राम बनाया जा रहा है वाकई बहुत ही खूबसूरत है। आप जरूर यहां से तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें। ताली बजाने में मोबाइल को आड़े आने न दें, जोरदार तालियां एक बार। Yeah!
सीधा ऐसे बहुत सुंदर तालियां होनी चाहिए एक बार जोरदार तालियां इन जवानों के लिए कितना सुंदर बुलंदी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दुनिया मंच से गुजरने के लिए चल रही है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के धुन पर यह टोलियां एक लय एक ताल एक क्रम में मंच से गुजरने के लिए आगे बढ़ती हुई कितना सुंदर दृश्य उपस्थित है बहुत कम लोगों को यह सुअवसर प्राप्त होता है ऐसी परेड देखने का मैं चाहता हूं इन जवानों के लिए एक बार जोरदार तालियां इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है अरे पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है हौसलों से उड़ान होती है यह हौसला है वाकई हौसला से लवरेज यह पुलिस जवानों की टोलियां कदम से कदम मिलाते हुए मंच की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो रही है कदम कदम बढ़ाए जा कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा ये जिंदगी है ये अर्पण की भूमि है ये तर्पण की भूमि है इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है और हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा कोई तो एक ही आवाज निकलेगी भारत माता की भारत माता की भारत माता की ये टोलियां मंच की तरफ अग्रसर टोली कमांडर अश्व पर सवार होकर के मंच के सामने से प्रथम कमांडर और द्वितीय कमांडर मुख्य अतिथि का अभिवादन पर मंच से गुजरते हुए बहुत सुंदर तालियां जवानों के लिए सशस्त्र पुलिस की टोली मन से गुजरती हुई बहुत सुंदर आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए ये यातायात पुलिस की टोली मन से गुजरती हुई बहुत सुंदर यह आपके सामने सीआर की टोली मुख्य अतिथि का अभिवादन कर मन से गुजरती हुई बहुत सुंदर ये नंबर चार टोली मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर मन से गुजरते हुए टोली नंबर पांच जो प्रशिक्षण अधीन की टोली है बहुत सुंदर यह पीएससी के जवान माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए ये हमारी मातृशक्ति वाकई जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए जोरदार तालियां होमगार्ड्स के जवान मुख्य अतिथि महोदय के सामने से गुजरते हुए तृतीय कमांडर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर मन से गुजरते हुए हॉर्स की टोली धीरे धीरे मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए मन से गुजरते हुए जोरदार तालियां मुख्य अतिथि महोदय का भाव जिस आवाज से पूरा शहर चिरपरिचित है ये हुकर की आवाज जो हमें सुरक्षा का एहसास दिलाता है 112 नंबर वायरलेस दस्ता जो त्वरित सूचनाओं के आदान प्रदान में अग्रणी भूमिका निभाता है ऐसे वायरलेस दस्ता